करौली से है जहां गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। दोपहर में अब घर से निकलना मुश्किल होने लगा है। लू और गर्म हवाओं से होने वाली बीमारियों के प्रति प्रशासन शुरुआत से ही सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मोहन लाल यादव ने आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को तापमान से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और साथ ही जिले के सभी चिकित्सालय के चिकित्सा कर्मियों को लू एवं तापघात के उपचार के लिए भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे किसी भी जो जिले में कोई भी लोग जो है भूख से पीड़ित नहीं रहे या भूखा नहीं सोए या भूख के कारण किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसमें जो हमारे खानाबदोश जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखा जा रहा है, गाड़ियां लोहार है उनका भी ध्यान रखा जा रहा है, जो दूसरे जिलों से जो यहाँ पशु चराने के लिए लोग आते हैं रेबारी, विशेषकर रेबारी समाज के लोग, उनका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है और हर जो जिसको आवश्यकता है उसके अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन जो समृद्ध हैं या जिनके कोई समस्या नहीं है वो ऐसे कोई अगर मांग करता है अनावश्यक उसके खिलाफ हम कार्रवाई। खबर दौसा के बसवा से है जहाँ झांसीरामपुरा